गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको सूरत के संधि के बारे में पढ़ाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ा था और आपको ये बताया था कि भई मतलब मुग़लों के पतन के बाद मतलब पेशवा लोग आते हैं मराठे आते हैं और फिर जो विदेशी शासक जो विदेशी जो शक्ति है वो अंग्रेज आते हैं और इन मतलब अंग्रेज़ों को पेशवाओं और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों से मतलब लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं और कई ऐसे भी होते हैं मराठा सरदार या फिर ऐसे कई पेशवा लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंग्रेज़ों से साँठ गांठ रखते हैं जिसके कारण मराठे हर युद्ध में हारते भी हैं अंग्रेजों से और इस प्रकार से मतलब तीन चार आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए हैं तो इतिहास की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे देखिए तो आधुनिक भारत में यदि हम लोगों ने इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ा तो आधुनिक भारत की शुरुआत आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो आपको मतलब हमने पहले जैसे कि प्लासी का युद्ध पढ़ा दिया है बक्सर का युद्ध भी पढ़ा दिया है आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है उसमें भी हमने सूरत की संधि वगैरह जो जो जहाँ जहाँ पे हुआ है वो सब हमने आपको पढ़ाया है लेकिन अभी हम आपको अच्छे से अ, मतलब सूरत की संधि के बारे में अलग से वीडियो में पढ़ाएंगे और जो भी संधियाँ मतलब महत्वपूर्ण है इतिहास में वो हम आपको सब अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि ये जो भी संधियाँ है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कई बार इनके बारे में पूछ लेते हैं तो देखिएगा जो सूरत की संधि है यह 6 मार्च सत्रह सौ ईस्वी में होती है ठीक है और मतलब होती किसके बीच में है रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में होती है तो देखिएगा बात क्या है कि जो ये आपका पेशवा माधव राव था ये निसंतान मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है इनकी कोई औलाद नहीं होती इससे पहले सत्रह सौ बहत्तर ईस्वी में जो माधव राव हैं इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो इनके भाई थे नारायण राव ये पेशवा के मनसब पे बैठते हैं लेकिन जो इनका चाचा था राघोबा जो जिसे इतिहास में हम रघुनाथ राव के नाम से भी जानते हैं वो मतलब पेशवा बनना चाहते थे लेकिन जो राघोबा है वह अच्छा व्यक्ति नहीं था तो जो राघोबा है ये क्या करता है कि ये जो अपना जो भाई का बेटा था नारायण राव इसको क्या करता है कि मतलब इसकी हत्या करवा देता है और खुद है जो कि पेशवा बनने की सोचता है लेकिन मराठ कई मराठा सरदार ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा मतलब स्वाभिमानी होते थे या फिर ये मान लो कि बहुत ज़्यादा देशभक्त होते थे जिनके कारण मतलब राघोबा का वो हुआ विरोध हुआ और इनमें जैसे कि आपका नाना फडनवीस है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति था और वह मतलब रघुनाथ राव को ये पेशवा के पद पे नहीं बैठने दिया उसने और अंत में क्या होता है कि जो रघुनाथ राव है वह मतलब अंग्रेज़ों के पास भाग के चला जाता है और वहाँ पे यह संधि करता है और इस सूरत की संधि के कारण ही मतलब जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध है वह होता है ठीक है तो देखिएगा अब हम पढ़ते हैं मतलब डिटेल से पर, मतलब सूरत की संधि तो सूरत की संधि कब हुई 6 मार्च सत्रह में ठीक है तो देखिएगा 18 नवंबर सत्रह ईस्वी को पेशवा माधवराव की निशंतान मृत्यु हो गई उसका भाई नारायण राव पेशवा की मनसब पे बैठा परंतु जो उसका चाचा था रघुनाथ राव वह स्वयं पेशवा बनना चाहता था अतः रघु रघुनाथ राव ने अपनी पत्नी आनंदी बाई के सहयोग से 13 अगस्त सत्रह ईस्वी को नारायण राव की हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया ठीक है परंतु मराठों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने उसका विरोध किया और वह व्यक्ति था बालाजी जनार्दन ये नाना फडणवीस के नाम से भी जाने जाते हैं ठीक है नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने बाई संसद का निर्माण किया और जो बाई संसद है एक तरह से जैसे कि कोई भाई संगठन मान लो या फिर कोई जो सभा वगैरह ऐसे था इसमें कई लोगों का को इन्होंने मतलब सेलेक्ट करा और कि भाई हम लोग मतलब एक तरह से देखे तो ये मराठों का संगठन था और बाराबाई संसद का निर्माण किया और शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया किंतु उनके सामने समस्या ये थी कि पेशवा किसे बनाया जाए ठीक है भाई राजा तो कोई हो तभी तो शासन चलेगा जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी उस समय जो उनकी पत्नी थी गंगाबाई वह गर्भवती थी और 18 अप्रैल सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी को उन्होंने एक बालक को जन्म दिया और इसका नाम रखा गया माधवराव सेकंड, ठीक है बाराबाई संसद ने माधवराव सेकंड को पेशवा घोषित कर दिया और नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त किया ठीक है बाराबाई संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया इस पर राघोबा ने दिसंबर सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में थाना पर आक्रमण कर आ, कर दिया किंतु वह पराजित होकर वहां से भाग गया ठीक है भाई रघुनाथ राव है इसको पेशवा नहीं माना मराठा सरदारों ने और मतलब जो नारायण राव का छोटा अल्प जो बच्चा था उसको वो पेशवा मानते हैं जिसका नाम माधवराव सेकंड रखा जाता है अब इस पे क्या है कि रघुनाथ राव को इन लोगों से युद्ध करना पड़ा और लेकिन वह युद्ध में पराजित होता है और वहाँ से भाग जाता है अब देखिएगा सूरत की संधि की जो शर्तें हैं कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो राघोबा भागकर कहाँ जाता है बंबई और कौंसिल के अध्यक्ष जो हॉर्नबाई थे उनसे ये बातचीत करता है उसके बाद कंपनी की बंबई शाखा और राघोबा के बीच 6 मार्च सत्रह सौ पचहत्तर ईस्वी को संधि हो गई जिसे सूरत की संधि कहा जाता है और सूरत की संधि की शर्तें देख लीजिएगा राघोबा ने अंग्रेजों को बंबई के समीप स्थित जो साल द्वीप है थाना है जम्बूसर का प्रदेश और बसीन को देने का वचन दे दिया अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे ठीक है अब भाई अंग्रेज हैं वो तो क्यों नहीं करेंगे पेशवा बनाने में मदद उनको तो अच्छे अच्छे जो जगह है वो मिल रही थी सूरत की संधि के अनुसार बंबई सरकार राघोबा से डेढ़ लाख रुपए मासिक खर्च कर लेकर उसे 2500 सैनिकों की सहायता देगी ठीक है अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा यदि राघोबा पुना से कोई शांति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी शामिल करेगा तो यह थी आपकी सूरत की संधि की शर्तें तो कंपनी की बंबई शाखा ने यह संधि गवर्नर जनरल को बिना पूछे की थी और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बंबई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी तो रेगुलेटिंग एक्ट था यह सत्रह सौ तिहत्तर जो शर्तें बनाई गई थी उनका पालन इस मतलब संधि में नहीं किया गया तो संधि के बाद हॉन बाई ने केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना किसको दी गवर्नर जनरल को भेज दी थी और इस संधि के कारण ही अंग्रेज और मराठों के संघर्षों का सूत्रपात होता है तथा मोडसन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था उसे इस संधि द्वारा तोड़ दिया गया राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रघुनाथ राव है वह है पेशवा बनने के लिए एक पद के लिए पूरे मतलब मराठों का जो संगठन है उसको इसने एकदम से कमज़ोर बना दिया और अंग्रेज़ों से संधि कर ली और अंग्रेज़ों के साथ ये मिल गया था तो मतलब एक तरह से देखे तो एक तरह से भगोड़ा निकला ठीक है और इसके कारण क्या होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ठीक है तो देखेगा हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा दिया है तो आप पहले वाले वीडियोज़ में इन चीज़ों को ध्यान से देखें यदि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ोगे तो एक दूसरे से इंटरलिंक कर पाओगे और एग्ज़ाम में हमारे वीडियो द्वारा आपको बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है तो हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद